कर दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर पंडित जी ने एक दिन बाद का मुहूर्त निकाल दिया है प्रीता और साथ में अर्जुन की शादी के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ लोगों को क्लैरिफाई नहीं है कि आखिर ये करण हो सकता है। लेकिन वहीं पे ही राखी माँ को इतना तो पता चल गया कि ये कोई और नहीं है, ये मेरा बेटा ही है। वहीं पे ही सृष्टि के साथ में कीर्ति का इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि आखिरकार इस अर्जुन की हिम्मत कैसे हो रही है अपनी मनमानी करने की, क्योंकि अर्जुन जो चाहे वो हासिल कर सकता है और अर्जुन के पास में हर विकल्प है। क्योंकि दोस्तों, अर्जुन ने जो जो खोया है उस चीज़ को तो अर्जुन उसकी भरपाई ज़रूर करेगा। और अर्जुन ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि मैं खोई हुई चीज़ की भरपाई बहुत आसानी से कर लेता हूँ। हालांकि दोस्तों, अब आप लोग देख पाएंगे कि शादी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि शादी में आप लोग देखेंगे कि इधर हर तरीका से डीमोटिवेट होती हुई नज़र आने वाली है अंजलि, और अंजलि ये भी बोलती हुई नज़र आने वाली हैं कि मैं 100,000 तक अपने जीते जी इस शादी को सक्सेस नहीं होने दूंगी, क्योंकि पृथ्वी और शैलन का साथ मिल चुका है इस समय अंजलि को। लेकिन अर्जुन को इस चीज़ का पता नहीं है कि मेरी ही फ्रेंड अंजलि जो कि हमारे दुश्मन से मिल चुकी है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय पृथ्वी और शैलन ने वादा कर दिया है कि हम अर्जुन की शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, और इसके लिए वाकई में अंजलि के साथ में लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अभी अंजलि इतना ज़्यादा ट्राई करेगी और जो कि अब मुख्य विलेन की भूमिका निभाती हुई नज़र आने वाली है। हालांकि दोस्तों, बात की जाए प्रीता की, तो प्रीता अभी भी कन्फ्यूजन में है कि क्या ये मेरा करण हो सकता है या ये वाकई में मेरे दिल का वहम है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि प्रीता इस समय कितनी ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रही हैं, और प्रीता का मानना ये है कि जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में हम ज़्यादा कैसा सोच सकते हैं, अगर ये करण होगा तो पता चल ही जाएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज़।